हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड टाइम्स विद सौम्या। मैं सौम्या, कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है गुजिया और आज है होली। सबको होली मुबारक दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सबको पसंद आएगी आज की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक थाली और उसमें मैंने डाल दिया अभी 2 कप ऑफ मैदा। तो जो हम लोग बनाएंगे गुजिया, उसके जो ऊपर का पार्ट है, आउटर पार्ट, उसको बनाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा। चलिए दोस्तों इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पे करीबन 1 टीस्पून नमक डाला है। इसको अच्छी तरह सभी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे अभी घी। मैंने यहाँ पे करीबन 1/4 कप ऑफ घी लिया है और घी डालने से अच्छा क्रिस्पीनेस एक आता है। तो जैसे कि ऊपर का पार्ट थोड़ा सा क्रिस्पी रहे तो अच्छा लगता है गुजिया में। तो आपका तेल के बदले यहाँ पे घी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है, एक अच्छा से खुशबू आता है। उसके साथ जो क्रिस्पी, जो बाहर का पोर्शन बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनता है, तो जरूर घी डालिए। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको अच्छी तरह से मोम दे दूंगी। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी डाल ली, अच्छी तरह से मैदा में लगा दूंगी घी को, फिर अच्छे से मोम दे देंगे। मैदा में भी अच्छी तरह से मोम लग चुकी है दोस्तों। देखिए मैं अभी इसे मोटी करके दिखा रही हूँ आपको, तो ऐसे मोटी में आ रही है, मतलब आपका मोम अच्छी तरह से लग चुकी है। तो चलिए अभी इसको थोड़ा थोड़ा पानी देके, इसमें मैं करीबन 1/2 कप ऑफ वाटर यूज करूंगी, और पानी थोड़ा सा देके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छा सा एक आटा हम लोग गूंद लेंगे, यहाँ पे आटा को अच्छी तरह से लगा लेंगे। देखिए दोस्तों आटा मैंने लगा लिया है और आटा थोड़ा सा मैंने टाइट रखा है, ऐसे ही रखना है आपको। और इसको 10-15 मिनट्स तक साइड में रख लेंगे, थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अभी बना लेते हैं अंदर का स्टफिंग। चलिए दोस्तों अंदर का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया करीबन 1 टेबलस्पून घी और इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद इसमें डाल देते हैं आलमंड्स और कैसू। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा टाइम के लिए घी में फ्राई कर लेंगे, फिर इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। देखिए यहाँ पे आलमंड्स और कैसू अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। चलिए इसको साइड में निकाल के रख लेते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पैन में अभी घी है, उसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबलस्पून सेमोलिना। अगर आपके पास पतला वाला सूजी है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा होता है। इसको थोड़े टाइम के लिए घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूजी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। चलिए इसमें मिला देते हैं मावा। मैंने यहाँ पे करीबन 1/2 कप ऑफ मावा डाला है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अभी मावा को अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद सूजी के साथ अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। इसके बाद इसमें डाल देते हैं डेजिकेटेड कोकोनट। आप फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं, नहीं तो डेजिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए दोस्तों स्टफिंग में अच्छी तरह से मॉइस्चर आ चुकी है। चलिए अभी इसको निकाल देते हैं। और मैंने साइड में एक प्लेट रख लिया है, उसमें मैंने पहले से जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था उसको अच्छे से कट कर लिया है मैंने। उसके ऊपर डाल देंगे स्टफिंग को और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से, जिसके सभी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए इसमें डाल दिया है मैंने अभी किशमिश और थोड़ा सा ड्राई चेरी, और ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा खटास और खट्टा मीठा डालने के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। देखिए अभी इसमें मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून करीबन शुगर। मेरे को थोड़ा सा कम शुगर चाहिए इसीलिए मैं इतना ही इस्तेमाल किया, आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। तो चलिए अभी आटा को अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ा था। इसके बाद इसको अच्छी तरह से भी थोड़ा टाइम के लिए नीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको छोटा छोटा गोला निकाल के रख लेंगे। चलिए दोस्तों अभी बना लेते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लोई ले लिया। देखिए उसको अच्छी तरह से भी बेल लेंगे। आप थोड़ा सा बड़ा भी लोई ले सकते हैं, उसको बड़ा साइज बना के भी उसको एक कटोरी डाल के कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से पूरी जैसे भी बेल सकते हैं। देखिए मैंने पूरी जैसे छोटा सा एक लोई लेके उसको बेल लिया है। उसके चारों तरफ मैंने थोड़ा सा वाटर लगा लूंगी अभी, और बीच में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा अभी स्टफिंग, जो हम अंदर का स्टफिंग बनाए थे। अंदर का स्टफिंग बनाने के बाद अभी क्या करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ज्वाइंट कर लेंगे दो एजेस को, ज्वाइंट करके अभी इसको बंद कर देंगे। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक फोर्क के सहायता से उसको प्रेस कर लूंगी।
दोनों साइड को मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। देखिए अच्छी तरह से कवर हो गया है, दोनों साइड से अभी बंद हो चुकी है। तो अभी आपका छोटा वाला गुजिया बनके तैयार है, देखिए दोस्तों। तो चलिए दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से एक बड़ा सा रोई लेके उसको बेल लिया है, देखिए। तो अभी डाल देते हैं, अभी गुजिया वाले मोल्ड मैंने लिया है यहाँ पे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे अभी स्टफिंग, डाल के उसको बंद कर लेते हैं। बंद करके इसको अच्छी तरह से सेट होने के लिए छोड़ते हैं, फिर इसको साइड से अच्छी तरह से निकाल देते हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से गुजिया बन के तैयार हो चुकी है अंदर से। और ये भी बहुत इजी प्रोसेस है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो हाथों से भी बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। और एक एक करके सभी गुजिया को बना लेंगे दोस्तों। और साइड में मैंने तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और मीडियम हीट में इसको फ्राई करेंगे दोस्तों। ज़्यादा हीट में फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से गुजिया तलेंगे नहीं, ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं। तो अच्छी तरह से मीडियम हीट में इसको पकाएंगे थोड़ा टाइम तक, अच्छी तरह से सुनहरे होने तक। जैसे ही धीरे धीरे गुजिया अच्छी तरह से पक जाएंगे और तेल के ऊपर अच्छी तरह से ऊपर उठाएंगे दोस्तों, देखिए कितने अच्छी तरह से फूल गया है गुजिया और ऊपर उठाए, मतलब थोड़ा टाइम आप उसको अच्छी तरह से तलेंगे। तो देखिए दोनों साइड से जब तक इसका अच्छी तरह से कलर ना आ जाए तब तक उसको अच्छी तरह से तल लीजिए, उसके बाद इसको निकाल देंगे। देखिए अभी ये अच्छी तरह से हो चुकी है, अब इसको निकाल के रख लेंगे प्लेट में। कितने अच्छी तरह से गुजिया बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों, देखिए, और बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, और ये होली में जरूर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बिल्कुल मजे में रहिए। हैप्पी होलीडे एवरीवन, टाटा बाय, सी यू बाय। Hello everyone, please subscribe my channel The Good Times with Soumya and click the bell icon to get my latest video.